हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर में मिलिंद सोमन 110 किमी बिना जूतों के दौड़े। जैसलमेर सुपर मॉडल व फिटनेस प्रमोटर मिलिंद सोमन इन दिनों जैसलमेर में हैं। उन्होंने नए साल पर अपने फैंस को फिट रहने का मंत्र दिया। फैंस ने जब उनके साथ फोटो लेने की मांग की तो उन्होंने सभी फैंस से 20 पुशअप लगाने की डिमांड की। फैंस ने भी अपने प्यारे मॉडल की शर्त को मानते हुए उनके सामने पुशअप लगाए। मिलिंद सोमन ने जैसलमेर की लाठी से कुहुड़ी गांव तक 110 किलोमीटर की लास्ट लॉन्ग रन अपनी पत्नी सहित पूरी की। यह दौड़ उन्होंने बिना जूतों के पूरी की। कुहुड़ी गांव पहुंचने पर मामा रिसोर्ट में गजेंद्र सिंह सोडा ने उनका राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया। राजस्थानी लोक धुन पर वे खुद को झूमने से नहीं रोक पाए। दरअसल मिलिंद सोमन ने इस बार नए साल पर बिना जूतों के 110 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा था, जिसका नाम उन्होंने लास्ट लॉन्ग रन रखा था। कुहुड़ी गांव के मामा रिसोर्ट में उनके कई फैंस ने उनको घेर लिया था तथा उनके साथ फोटो की डिमांड की। मिलिंद सोमन ने उन सबको कहा, जो भी मेरे सामने 20 पुशअप करेगा उसके साथ ही फोटो लेंगे। इतना सुनने के बाद सभी लोग पुशअप लगाने लग गए। सबने मिलिंद सोमन के सामने 20 पुशअप पूरे किए और अपने चहेते मॉडल के साथ फोटो लिए। इस मौके पर मिलिंद सोमन ने उनका नए साल 2022 में फिट रहने का मंत्र दिया तथा सबको इसके जारी रखने के लिए मोटिवेट भी किया। 30 दिसंबर को मिलिंद सोमन ने अपनी सुबह जल्दी अपने पत्नी के साथ लाठी से जैसलमेर के पैदल नंगे पांव दौड़ शुरू की। रात को 9 बजे जैसलमेर करीब 65 किलोमीटर की दौड़ आकर खत्म हुई। 30 की रात को उन्होंने जैसलमेर के होटल में विश्राम किया। 31 दिसंबर की सुबह सम गांव तक दौड़ को कैंसिल करके उन्होंने खोड़ी की तरफ 9 बजे पैदल दौड़ शुरू की। शाम 5 बजे वे खोड़ी गांव पहुंचे। 110 किलोमीटर की अपनी लंबी दौड़ खत्म करने के बाद 1 जनवरी को मिलिंद सोमन ने पोस्ट साझा कर इसके कंप्लीट करने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया को नए साल की मुबारकबाद। अंकिता और मैंने 110 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली है। जैसलमेर में हमारी ताकत को सुनिश्चित करने के लिए और इस साल मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहने का संकल्प लेते हुए मिलिंद सोमन ने बताया कि साल 2021 की अंतिम दौड़ जैसलमेर में पूरी की। लाठी से सम तक 110 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आखिर समय में सम से सैलानियों की भीड़ को देखते हुए इसे खोड़ी गांव तक कर दिया। लाठी से जैसलमेर, फिर जैसलमेर से खोड़ी गांव तक बिना जूतों के हमने दौड़ पूरी की। दरअसल नए साल का जश्न लोग अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, लेकिन मैंने और मेरे दोस्त नए साल का स्वागत दौड़ के साथ करते हुए हर साल नई नई जगहों पर जाते हैं और दौड़ करते हैं। पहले भी हम जैसलमेर आ चुके हैं। इस बार साल की आखिरी दौड़ जैसलमेर में करने का निर्णय लिया। हमारा जश्न दौड़ ही है। उन्होंने बताया कि मुझे पहले दौड़ पसंद नहीं थी, लेकिन 20 साल पहले मुंबई में मैराथन हुई थी, तब मैंने सोचा कि मुंबई में मैराथन हुआ है तो मुझे भी एक तो करना चाहिए। 21 किलोमीटर की पहली दौड़ की थी, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि यह मुझे और करना चाहिए। उसके बाद मैं निरंतर दौड़ करता हूँ। 2012 में मैं दिल्ली मुंबई तक करीब 1500 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। बिना जूते दौड़ने पर उन्होंने बताया कि बिना जूते दौड़ने से सड़क पर कई कंकर व कांटे आते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि जीवन में परेशानियों व चुनौतियां आती हैं, उसका सामना कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि कंकर व कांटों की तरह जीवन में आने वाली परेशानियों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो मुकाबला करता है वो कामयाबी हासिल करता है। जागरूक टीवी के जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।